एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बच्चों को हमें एग्जाम्स के लिए किस तरह से तैयारी करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्जाम्स काफी नजदीक हैं, तो हमें अभी से ही उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि वो एग्जाम्स में अच्छी परफॉर्मेंस दें और एग्जाम्स के वक्त उन पर बिल्कुल भी प्रेशर ना रहे। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। वो स्टेप्स क्या है, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, इसीलिए वीडियो को आप प्लीज जरूर पूरा देखें। आई होप इससे आप सभी को काफी हेल्प मिलेगी। इसका फर्स्ट स्टेप यही है फ्रेंड्स, कि बच्चों का जो भी 6 to 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है और उस सब्जेक्ट को हमें कम से कम 2 से 3 दिन तक वही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस बच्चों को करवानी है। ऐसा करने से बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप, हमें कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि जो भी सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है, उस सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर हम अपने बच्चों को लर्न करवाना चाहते हैं ना, उस चैप्टर को हमें बहुत ही इजी मेथड में बच्चों को उसे एक्सप्लेन करना है। अगर वो हिंदी में उस चैप्टर को समझ रहा है, तो आप उस कंप्लीट चैप्टर को हिंदी में उन्हें एक्सप्लेन करें, या फिर और भी मदर लैंग्वेज जिसमें बच्चा आसानी से उस चैप्टर को समझ सके। ऐसा करने से ये बेनिफिट होगा कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो बच्चे उसे आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो आप बच्चों को कंप्लीट चैप्टर एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें। सो सेकेंड स्टेप इज एक्सप्लेन द चैप्टर इन इजी लैंग्वेज। कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि उस चैप्टर से रिलेटेड जिस भी वर्ड्स में बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है, जैसे कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं जो बच्चे लर्न नहीं कर पाते या तो उसको बोल नहीं पाते, तो आप उसकी स्पेलिंग बच्चों को लर्न करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है उस चैप्टर से रिलेटेड हार्ड वर्ड्स की प्रैक्टिस बच्चों को करवानी है। हार्डवर्ड्स की प्रैक्टिस करवाने से ये बेनिफिट होता है कि जब बच्चे क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं ना, तो उसमें वो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करते और उनके मार्क्स भी कम्प्लीटली उसमें अचीव हो जाते हैं। तो हार्डवर्ड्स की प्रैक्टिस आप बच्चों को जरूर कराइएगा। एक बार जब आप बच्चों को कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन कर देते हैं ना, जो भी लैंग्वेज में बच्चे ने समझ लिया हो, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर, आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन शॉर्ट, ये सभी क्वेश्चन आंसर से बच्चे ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप उस चैप्टर को बच्चों को अच्छी तरीके से समझा दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हमें ना जो भी आज बच्चों को पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप एक छोटी सी वर्कशीट बना लें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, हमें वर्कशीट बनाना है। ये जो वर्कशीट हम बनाएंगे ना, ये वर्कशीट आप बच्चों को नेक्स्ट दे दें जब बच्चा पढ़ने बैठता है, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर जब वो वर्कशीट सॉल्व करेगा, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि बच्चे ने जो कल पढ़ाई की थी वो उसे समझ में आई है या नहीं, और जो भी उसे डिफिकल्टी हो रही है उसे आप आज एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप वर्कशीट देंगे तो बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाते हैं। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि बच्चों को हमें किस तरह से आंसर्स याद करवाने चाहिए, जो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी आंसर्स हम बच्चों को याद करवाना चाहते हैं ना, उस आंसर्स को हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है इसे हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लाइक द प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिससे कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, एक पार्ट ये हो गया कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, फॉल एंड रीच द ग्राउंड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। सो इस तरह से जब आप बच्चों को कोई भी आंसर्स याद करवाते हैं ना, तो उस आंसर्स को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें और ऐसा करके आप बच्चों को आंसर्स लर्न करवाएं। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर। सो यहाँ पर एयर के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? जैसे द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर, इसे हम एक पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एंड डस्ट, ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं इसे हम एक पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके, टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं? 5। इन 5 कंपोनेंट्स की हम स्पेलिंग भी बच्चों को एक बार जरूर पूछ लेंगे, जिससे कि वो स्पेलिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक्स ना करें। तो ऐसे करके हमें आंसर्स कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को लर्न करवाना है। सो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा, डिवाइड द आंसर फॉर इजी टू लर्न।
बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवाने के बाद अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है ना, तो उस वक्त प्लीज आप उसे फोर्स ना करिएगा उसे समझने के लिए, क्योंकि इससे ना बच्चे बहुत प्रेशराइज होते हैं और कोई भी क्वेश्चन आंसर 5 मार्क्स या 4 मार्क्स से ज्यादा के नहीं होते। तो आप 4-5 मार्क्स के लिए बच्चों को प्रेशराइज बिल्कुल मत कीजिएगा, बाकी के जो भी इजी टॉपिक्स हैं उस पर ही फोकस कीजिएगा और बच्चों को उसी की प्रैक्टिस कराइएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फोकस ऑन द टॉपिक विच इज इजी टू लर्न एंड अवॉइड डिफिकल्ट टॉपिक्स। ओके सो डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें अपने बच्चों को स्टेप वाइज एग्जाम्स के लिए तैयार करना चाहिए। इससे बच्चे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एक बार फिर से हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट फर्स्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है, उसे 2 से 3 दिन तक देना है और उसी सब्जेक्ट पर काम करना है। जो भी सब्जेक्ट हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को हमें बच्चों को इजी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में बच्चा समझ पाता है उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है और फिर उससे रिलेटेड जो भी हार्ड वर्ड्स है उसकी प्रैक्टिस बच्चों को करवानी है, जिससे कि वो आंसर्स लिखते वक्त मिस्टेक्स ना करें। जो भी हम आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसकी एक छोटी सी वर्कशीट बना ले और जब बच्चा दूसरे दिन पढ़ने के लिए बैठे तो उसकी एक्सरसाइज आप बच्चों को करवा सकते हैं। आंसर्स लर्न करवाने के लिए आंसर्स को हमें डिवाइड कर देना है किसी पर्टिकुलर पार्ट में, जिससे कि बच्चा उसे आसानी से समझ कर लिख सके। इसके बाद जो भी टॉपिक इजी है, बच्चा आसानी से कर पा रहा है, उसी टॉपिक पर हमें फोकस करना है एग्जाम्स के वक्त। डिफिकल्ट टॉपिक पर हमें प्रेशराइज करके बच्चों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आई होप इससे आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।